नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारी इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गंगा एक्सप्रेसवे की, जिस पर हम आपको बताएंगे कि इस पर जो निर्माण कार्य है वो लगभग कितने समय में पूरी तरह से पूरा हो जाएगा, और इसके अलावा जो भी फंड्स हैं कहाँ से अरेंज हो रहे हैं, किनको किनको कहाँ कहाँ का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, इसके बारे में भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर जुड़े रहें। दोस्तों, मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाले इस एक्सप्रेसवे में दीपावली के बाद ही काम में रफ्तार देखने को मिलने वाली है, क्योंकि अभी आप सभी को पता है कि कहीं कहीं पर बारिश का मौसम भी है और इसके अलावा त्योहारों का भी मौसम है, जिसके कारण काम में जो समान गति देखने को नहीं मिल पा रही है। दोस्तों, ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से होकर गुजरने वाला है, लेकिन आप सभी को पता है कि त्योहारों के कारण जो है कार्यों की जो गति है वो काफ़ी धीमी है। हालांकि हाईवे के दोनों तरफ वृक्षों की कटाई के बाद गड्ढा या जमीन को समतल करने का काम जगह जगह पर चल रहा है, जिसे हम आपको वीडियो के माध्यम से भी दिखाएंगे। वहीं इस एक्सप्रेसवे की जो लंबाई है वो 594 किलोमीटर है। बदायूं में यह एक्सप्रेसवे 84 गाँव से होकर निकलेगा। अगर बात की जाए वर्तमान में इसके काम की, तो लगभग सभी जिलों में समतलीकरण का कार्य चल रहा है, जिसे क्लियरिंग एंड ग्रबिंग के नाम से भी जानते हैं। और इसके साथ साथ ही इस एक्सप्रेसवे पर पेड़ों को कटाई करने का काम, लाइनों को शिफ्ट करने का काम भी जगह जगह पर चल रहा है। दोस्तों, इसकी जो कार्यदायी संस्था यूपीडा है, उसने इस एक्सप्रेसवे के काम को तेज़ी को ज़्यादा तेज करने के लिए 4 बड़े पैकेजों में बांटा है। पहले पैकेज में मेरठ से बदायूं को रखा गया है, दूसरे पैकेज में बदायूं से हरदोई, उसके बाद हरदोई से उन्नाव, और चौथे और आखिरी पैकेज में उन्नाव से प्रयागराज को रखा गया है। चारों पैकेज के निर्माण का कार्य अवार्ड 2 कंपनियों को ऑलरेडी हो चुका है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि इसकी मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री जी स्वयं कर रहे हैं और इसकी प्रगति रिपोर्ट जो है डेली उनके पास जाती है। दोस्तों, हाल ही में यूपीडा के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार 594 किलोमीटर में से इस एक्सप्रेसवे का लगभग 410 किलोमीटर का हिस्से की जमीन को तैयार कर लिया गया है, और अब यहाँ एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए आगे का काम होना जो है तय है। और ये माना जा रहा है कि इन सब जगहों पर जहाँ पर ये काम हो चुका है, दीपावली के बाद ही बाकी काम होगा। दोस्तों, इस रिपोर्ट के अनुसार जो सबसे कम काम है वो इलाहाबाद की तरफ यानी कि प्रयागराज की तरफ है, और सबसे ज़्यादा तेज़ी से काम है वो मेरठ की तरफ हो रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक एक्सप्रेसवे का सबसे तेज काम जो है मेरठ बदायूं के बीच 6 जिलों मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, सम्भल और बदायूं में चल रहा है। यह पहले पैकेज काम है जो कि 130 किलोमीटर लंबा है। सोमवार तक 106 किलोमीटर की जमीन तैयार कर ली गई थी, जो कि इस एक्सप्रेसवे इस हिस्से का 81% है। दूसरे पैकेज का 74%, तीसरे पैकेज में 61%, वहीं चौथे पैकेज में लगभग 60% काम मिट्टी का पूरा हो चुका है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जो इस एक्सप्रेसवे की डेडलाइन रखी गई है 2024-25, और जिस प्रकार से इस एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है, मुझे लगता है कि एक्सप्रेसवे का जो काम है वो समय से पूरा हो जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया।